अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दानियाज वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए पनीर टिक्के की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही इजी है, बहुत अच्छा होता है ये और सभी को बहुत पसंद होता है आई होप, और मुझे तो बहुत पसंद है। इस रेसिपी बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो पनीर है, शिमला मिर्च है और प्याज है, दही है, और इसी तरह से छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैंने, जिससे कि बहुत ही टेस्टी डिश तैयार होगी बनकर। और मैं बताती हूँ आपको चलें कैसे बनाया है ये मैंने। बेसन लिया है मैंने एक कटोरी, जिसको मैंने रोस्ट कर लिया था, और दही भी लिया है मैंने एक कटोरी, और इसको मैंने बड़े बोल में डाल लिया है। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये हम मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। अब लाल मिर्च पाउडर डालना है हमने इसमें 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो थोड़ा सा कम डालें, वैसे 1 चम्मच बिल्कुल परफेक्ट रहता है। 250 ग्राम मैंने पनीर लिया है, और हल्दी मैंने डाली है इसमें 1/2 चम्मच, आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, ये होममेड गरम मसाला है, इससे जो है टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। नमक डाला है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/2 चम्मच, थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, लगभग 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डलेगा इसमें। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। बेसन हमने इसमें रोस्ट कर ही डालना है। जो बचा हुआ दही था वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है, 1 कटोरी दही लगा है हमारा इसमें। अब हमने इसमें नींबू डालना है, 1 नींबू लिया है मैंने, 1 नींबू का जूस, और मिक्स कर लेना है हमने इसको बहुत अच्छे से। मैरिनेशन के मसाले पे खासा ध्यान देना है, तभी हमारा जो है टिक्के बहुत अच्छे बनेंगे। और ये 250 ग्राम पनीर लिया था मैंने, इसको क्यूब शेप में कट कर लिया था। अब हमने इसमें इसको डालकर बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब शिमला मिर्ची भी हमने इसी में ऐड करनी है, इसको भी मैंने क्यूब शेप में कट किया है, और इसी तरह से प्याज भी मैंने क्यूब शेप में कट की है, प्याज को भी हमने इसी में ऐड करना है। और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं इसको मिक्स। और आधे घंटे के लिए हमने इसको मैरिनेट करना है, फ्रिज में रख देना है 1/2 घंटे के लिए। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल भी डाला है, रिफाइंड ऑयल है ये, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 चम्मच इसमें 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड किया है, और माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार है मैरिनेशन का मसाला, एकदम बहुत ही माशाल्लाह लाजवाब लग रहा है। आप सब भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है ये। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी वीडियोस को शेयर करना फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अब हमने इसको फ्रिज में रख देना है, 1/2 घंटा हो चुका है। अब हमने इसको इस तरह का एक स्टैंड लिया है पनीर टिक्के के लिए, तो स्टैंड पे इसको हमने एडजस्ट करना है। सारे पीसेस को इसी तरह से हमने इसमें लगा देना है। सारे पीसेस लगा चुके हैं, अब हमने इसको ग्रिल करना है।
ग्रिल करने के लिए मैंने ग्रिल मोड पर इसको 15 मिनट्स के लिए ग्रिल किया था और ये बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं। बहुत ही लाजवाब बने हैं, माशाल्लाह एकदम परफेक्ट ग्रिल हुए हैं ये। अब हम इसको ऐसे ही सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सपोर्ट करना जिस तरह से आप सब करते हैं। और इसे हम ग्रीन चटनी और थोड़ी सी सलाद के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही माशाल्लाह, देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, रेसिपी खाने में भी बहुत अच्छी होती है ये। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।